हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक उर्दू कवर की वीडियो पे। डेफिनेटली इनकी वीडियो हमने एक या दो दिन पहले ही स्टार्ट किया करनी, क्योंकि इनका चैनल हमें लेट मिला, पर बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है और हाँ, और वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं ये। तो आज एक और उर्दू कवर की वीडियो है जो हज़रत खालिद बिन वलीद और एक चुड़ैल का वाक्य है। आई डोंट नो, ये चुड़ैल को लेकर है, तो इसमें भूत प्रेत आ रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। तो हम देखते हैं ये रियलिटी पे बेस्ड है या फिर एक स्टोरी है। आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो, क्योंकि जैसे कि इसमें चुड़ैल कहा गया है तो मुझे तो कल्पना ही लग रही है। हाँ, तो हज़रत खालिद बिन वलीद, इनके बारे में हमने पहले भी सुना है, ये एक योद्धा है हिस्ट्री में, बहुत बड़े वाले योद्धा जो दर्ज है आई थिंक, मुझे जो याद है, मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। लेकिन इनकी वीडियो पे हमने पहले रिएक्शन दिया था, तो इस वीडियो को चुनने का यही पर्पस था कि इनकी वीडियो हमने भी पहले भी देखी हुई है और उर्दू कवर की वीडियो है, तो डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नज़दीक ग्रामी अरबों के मुतल्लिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कबल अज इस्लाम ज़माने जाहिलियत में अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और इनकी पूजा करते थे। उस वक्त इनके तीन बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे। उनमें तीन बड़ी देवियां थी जिनके नाम लात, मनात और इज़ा थे। इन तीनों में से आज हम आपको इज़ा नामी देवी के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। इज़्ज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादिय नखला है, और वादिय नखला में ही इज़्ज़ा का मंदिर था। नज़दीक-ए-ग्रामी वादिय नखला वही जगह है जहां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नों के एक ग्रोह से हुई थी, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादिय नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इसी इज़्ज़ा देवी के मंदिर में तमाम लोग इज़्ज़ा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और इस मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत इज़्ज़ा की बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम की जाती थी। अगरचे उस जमाने में बुतों के मंदिर अरब में दूर दराज मकामात पर वाके थे, लेकिन इन मंदिरों के बड़े बुतों के नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायात से पता चलता है कि इज़्ज़ा देवी एक शैतान औरत थी, और इसकी रिहायश वादी नखला में पाए जाने वाले एक तीन झाव के दरख्त पर थी। इसके अंदर चूंकि शैतानी ताकतें मौजूद थीं, तो इन्हीं के बल पर वो इज़्ज़त देवी के बुत से आवाजें निकालती थी, जिनको अरब कबाइल सुनकर इसके अंदर की कुवतों पर एतकाद रखते थे और इस देवी की ताजीम बजा लाते थे। उन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को ये बात अच्छी न लगी और उन्होंने आपकी हर बात की तर्दीद की। फतह मक्का के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन इज़्ज़त देवी के मंदिर में मौजूद बुत उस वक्त तक वहां सलामत था, और इसके मानने वाले अकीदतमंद इसकी पूजा उसी जोरों शोर से कर रहे थे। चुनांचे इज़्ज़त देवी के बुत को तोड़ने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु 30 घुड़सवारों के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सालार की हैसियत से भी मशहूर है। नज़दीक-ए-ग्रामी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ही थे जिन्होंने कैसरो किसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से इन्हें न सिर्फ इस्लामी तारीख में एक बुलंद मुकाम हासिल है, बल्कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को आलमी तारीख में भी सफ़े अव्वल के सिपासालारों में शुमार किया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेमिसाल बहादुरी के जौहर देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह का खिताब दिया। यानी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। दोस्तों, अब की बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला कैसरो किसरा की अजीम फौजों से नहीं था, और न ही इस दफा आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के मद्दे मुकाबिल कुरैश या अरब के दूसरे कबाइल के जरी जवान थे, बल्कि इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु
जिस कुवत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, उस शैतानी कुवत की हकीकत सिर्फ अल्लाह अज़्वजल या उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतेह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमजान को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि वो वादी नखला की तरफ जाएं और उसके अंदर मौजूद 3 झाव वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 झाव वाले दरख्त पा लें तो उनमें से पहले 3 झाव वाले दरख्त को काट दें। दोस्तों, झाव से मुराद ऐसा दरख्त है जो खुद रूह होता है। इसको इंग्लिश में टैमरिस कहते हैं। ये किसी भी जगह बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ रखते सफर बांधा और वहां 3 झाव वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले 3 झाव वाले दरख्त को काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने उस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि नहीं सरकार, मुझे वहां कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और वादी नखला के 3 झाव वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 झाव वाले दूसरे दरख्त को भी जमीन बुर्द कर दिया। वापस जब खिदमत अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचे तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ऐ खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? नाज़रीन ग्रामी, इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नफी में ही जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 झाव वाले दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस मर्तबा हुक्म की तामील के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक कबीर सूरत शैतान औरत वहां खड़ी है जिसने बरेना हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है और उस औरत के पीछे ही इज्जत देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उस कभी शक्ल शैतान औरत से यूं मुखातिब हुआ कि ऐ इज़ा, खालिद पर जोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना, अपनी ओढ़नियां उतार डाल क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल ना किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से दोचार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो इज़ा से इस तरह से मुखातिब हुए कि इज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ, तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुझे जलील और रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने इज़्ज़ा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत इज़्ज़ा जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने उसकी रिहाइश वाले 3 झाव के दरख्त को भी काट डाला और इज़्ज़त देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया इब्ने सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उकाड़ फेंका। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु आकाए दो जहां की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक्य को सुनने के बाद फरमाया कि ऐ खालिद, ये इज़्ज़त थी, अब आइंदा अरबों में इज़्ज़त ना होगी और ना ही इज़्ज़त की इबादत की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, वो दिन था और आज का दिन है, उस वक्त से लेकर आज तक अरबों में सबसे ज्यादा लायके ताज़ीम समझी जाने वाली इज़्ज़त का कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं है। वैसे तो इस वाक़े का जिक्र इस्लामी तारीख की बहुत सी कुतब में दर्ज है लेकिन हमने ये वाक़या आप तक पहुँचाने के लिए तारीखी किताब बलूगुल अदब की जिल्द सोम का सहारा लिया है। ये किताब इंटरनेट पर मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके ये सारा वाक़या खुद भी पढ़ सकते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वाओ, ओके, तो किताब की थी जैसे कि मैंने सोचा था और जैसे कि इन्होंने सुनाया है, बयान किया है, बिल्कुल रियल लग रहा है ना, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे रियल स्टोरी सुनाई गई है, काल्पनिक नहीं है बिल्कुल भी,
इस वे में इन्होंने बताया है। और डेफिनेटली ये लास्ट में बताते हैं उर्दू कवर, जैसे कि इनके चैनल का नाम भी है, और लास्ट में बताते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने पिक किया है। जैसे कि लास्ट में बताया कि इस किताब में से, इस नाम में से थे, उसकी स्टोरी इन्होंने ली है यहाँ पे। और जैसे कि लग रहा था पेड़ वगैरह, जैसे कि बिल्कुल एक एक डिटेल, बारीक से बारीक डिटेल इन्होंने बताई है, ऐसा लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि ये काल्पनिक है, तो रियल स्टोरी की तरह ही लगी हमें। बहुत ही अच्छी लगी हमें कहानी, और डिटेलिंग बहुत अच्छी तरीके से दे देते हैं। आप सब जरूर बताना हमें कमेंट में, लाइक कर देना बाकी वीडियो को, और शेयर कर देना वीडियो को, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियोस और भी हम अच्छी अच्छी आपके लिए लाते रहेंगे हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।